हम कई बार ब्राह्मण भी शिकायत करते हैं, जो नए नए आते हैं ज्ञान में वो तो कहते ही हैं कि मन नहीं लगता है, भगवान को याद करके बैठते हैं तो मन दूसरी दूसरी बातों में ज्यादा चला जाता है। पर कई बार जब मन उलझा हुआ है कई समस्याओं में, तब ऐसा होता है कि बाबा से जो कनेक्शन और रिलेशन हमारा हमें अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और वो एकाग्रता भी योग में नहीं बनती। और अगर एकाग्रता से योग नहीं है तो फिर हम अन्य आत्माओं की सेवा नहीं कर पाते हैं। मनसा सेवा से अगर एकाग्रता है तो हम जो बताया अन्य आत्माओं तक संदेश तो देते ही हैं, हम किसी भी आत्मा को भाग्यवान बनने की, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनने की, या कहेंगे निराश जो आत्मा है उसमें आशा का संचार करने की ऐसी प्रेरणाएं तो दे ही सकते हैं, लेकिन रोग का भी इलाज कर सकते हैं। और ये प्रयोग भी अब राज्यों में भी हम करने लगे हैं। आप सुनते हैं कि जैसे हार्ट पेशेंट्स पर अपने यहाँ प्रोजेक्ट चलता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिग्रेशन प्रोग्राम करते हैं, अब डायबिटीज के मरीजों पर भी ये करने लगे हैं। हमने भी ऐसे, क्योंकि जो शुरुआत हुई वो ऐसे डॉक्टर बाबा के घर में, हम हॉस्पिटल में आए सेवाओं में, तब हमने भी कई ऐसे प्रयोग किए और देखा कि जब हम एकाग्रता से किसी आत्मा को, रोगी आत्मा को भी सहयोग देने की कोशिश करते हैं, उसको निरोगी बनाने का प्रयास करते हैं, तो दवाई तो है, दवाई बंद करने की बात नहीं है, क्योंकि शरीर के जो तत्व हैं और अगर वो रोग की अवस्था में है तो उस अनुसार उन्हें जिस दवाई की आवश्यकता है वो तो देनी ही है, लेकिन जो हीलिंग है वो हीलिंग एक तो तीव्र गति से हो जाए और दूसरा सदा के लिए हो जाए, दो बातें होती हैं। तो हमने देखा कि उसमें वो बहुत कार्य करता है, यहाँ तक कि अपनी भी ऐसी असाध्य कई बीमारियों का इलाज भी हम कर सकते हैं, लेकिन एकाग्रता होना जरूरी है, वो उसकी विधि है। पूरी एकाग्रता से यदि कुछ समय तक हम उस रोग के स्थान को जो वाइब्रेशंस देना चाहिए वो वाइब्रेशंस अगर हम देते हैं बाबा की, वो सकाश देते हैं, तो जैसे आज भी बाबा ने कहा मुरली में ये बात आई कर्म भोग और कर्म योग की, तो अगर दर्द फील हो रहा है बाबा ने कहा और योग में है तो दर्द भी अनुभव नहीं होगा, आज था ना आज की मुरली में। तो ऐसे ही अपनी एक डॉक्टर है अमेरिका में, काफी समय से वो बाबा की बच्ची है, और वो एक बार अपना अनुभव सुना रही थी कि मैं दांत निकलवाने के लिए हॉस्पिटल में गई, वो खुद भी डॉक्टर हैं, तो मैंने कहा कि मैं एनेस्थीसिया नहीं लूँगी, दांत में इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर दर्द ना हो उसके लिए जैसे एनेस्थीसिया देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा एक प्रयोग है कि मैं बिल्कुल अशरीरी स्थिति में रहूँगी और डॉक्टर को कहूँगी कि तुम बिना इंजेक्शन के मेरा दांत निकाल, देखते हैं मुझे दर्द होता है कि नहीं होता। तो वो सचमुच उसने बिना इंजेक्शन लगाए वो दांत निकलवाया और उनको कोई दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल जैसे देह से न्यारी स्थिति में। तो अशरीरी स्थिति इंजेक्शन का भी काम करती है, दूसरे शब्दों में ये कहें कि बहुत दर्द हो रहा है आपको, आप कुछ समय के लिए बिल्कुल देह से न्यारे अशरीरी हो जाएंगे तो वो दर्द की फीलिंग बिल्कुल खत्म। अब हम कितना समय रह सकते हैं वो हमारा अभ्यास होता है, तो जितना जितना हम इस विधि पूर्वक मनसा सेवा करेंगे तो फिर हमें मनसा सेवा के भी परिणाम और रिजल्ट्स मिलने लगेंगे।